आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला निवेदन है वीडियो अपलोड न करें, डाउनलोड न करें, वीडियो को वैसे ही देखें। टाइमिंग आवर बढ़ता है, मुझे एनर्जी मिलती है कि नहीं, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाने की इच्छा प्रबल होती है और कोई बात नहीं है। तो चलिए, टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तीन कंडीशंस थे। एक तो एक्सियल पोजीशन था, अच्छी स्थिति ना, दूसरा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन ना, और थर्ड था का एट एनी पॉइंट आर थीटा। ओके, तीन कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए थे। अब उसी तीन कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक तो पहला हमारा शुरू होता है एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति। एक्सियल पोजीशन मीन्स अच्छी स्थिति, ठीक है। अब आपका यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, ए बी, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इसकी लेंथ क्या है, एल, एल मिड पॉइंट ओ है, ठीक है। और इसके कारण किसी भी पॉइंट पर मतलब एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो मानते हैं कि एक पॉइंट आपका यहाँ पर M है। देखो M क्यों ले रहे हैं पता है, क्योंकि P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना, जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है, ठीक है। और EV जो होता है, मान लीजिए यहाँ से यह दूरी जो है मिड पॉइंट से, यह दूरी कितनी है, यक्स, पॉइंट एम कितना दूरी पर है, यक्स दूरी पर है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो वी एम, एम पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विभव बराबर क्या होगा बेटा, कि माइनस क्यू, हमने बताया था कि जब पोटेंशियल लेंगे तो चार्ज विथ साइन, क्या चार्ज विथ साइन, के क्यू अपान आर, के क्यू अपान यही होता है ना। आर क्या होगा बेटा, यहाँ से दूरी इसकी x है, यहाँ से दूरी x प्लस l हो जाएगा, x प्लस l, उसको मानता हूँ क्या v1, क्या मानता हूँ, फिर वही है vm ड्यू टू प्लस q चार्ज बराबर क्या होगा, k q अपान, यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, x में से l माइनस हो जाएगा, क्या हो गया, x माइनस l, ओके। इसको मानता हूँ क्या है, ये v2, क्या मानता हूँ। अब vm नेट कितना होगा भैया, कौन ज़्यादा है, V2 ज्यादा है V1, V2 ज्यादा ना, इसका डिनोमिनेटर कम है,
क्या होगा वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस करेंगे कि नहीं बोलो। अच्छा एक बात ये बताइए हमको, यहाँ तो विथ साइन लिए हुए हैं ना, क्या लिए विथ साइन, विथ साइन लिए हुए हैं, क्या वी टू माइनस वी वन करें, क्या वी टू माइनस वी वन करें? अगर साइन न लिए होते तब तो करते, क्योंकि साइन यहाँ पर हम ले चुके हैं इसीलिए माइनस नहीं बल रिजल्टेंट को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे प्लस से। अगर माइनस न लिए होते तो वी टू कितना भैया के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल प्लस के माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। ये बेटा के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा वन अपॉन एक्स माइनस एल माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल, एनी प्रॉब्लम? के क्यू एक्स प्लस एल अब यह हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? बराबर क्या हो जाएगा के क्यू इंटू टू एल अपॉन, दिख रहा है कि नहीं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यू इंटू टू एल को क्या लिखते हैं, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो थोड़ा सा कैमरा खिसकाता हूँ यहाँ। हाँ अब बताओ हमको, तो एक्स इज सॉरी एल इज वेरी वेरी लेस देन, एल इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, एल स्क्वायर क्या होगा, उपेक्षणीय होगा, उपेक्षणीय नेग्लिजिबल होगा, दिख रहा है? तो वी एम नेट कितना होगा भैया जरा बताओ, तो ई एल स्क्वायर हट जाएगा ना, बोलो के पी अपान एक्स स्क्वायर, क्या के पी अपान एक्स स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? अच्छा एक बात हमको ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला आपको बताया गया था, निकलवाया गया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमेशा पी के डायरेक्शन में थी, याद करिए पहले एक्सियल पोजीशन किस में थी, पी के डायरेक्शन में थी ना, और कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट पी, मेरे ख्याल से तो यही था के पी बराबर के पी अपान एक्स क्यूब, यही था, इसका डायरेक्शन क्या था, पी के डायरेक्शन में था, क्या था पी के डायरेक्शन में था, टू के पी था, टू के पी अपान एक्स क्यूब, तो ये था क्या इसके डायरेक्शन में, पी के डायरेक्शन में था। थोड़ा सा भाई याद करके चलिए, उसको नोट कर ले प्लीज। चलिए लेता हूँ एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए बी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये क्या है मिड पॉइंट है, और इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ लाइन जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसके सेंटर से यह दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, एम लिया हमने एम, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब देखो चूंकि एल है ये एक्स है ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये जो ए एम दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ए दूरी क्या होगी बी एम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आप वही लिखो वी एम मतलब एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज बराबर क्या होगा कि माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको वी वन मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ वी वन। फिर ड्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज बराबर क्या हो जाएगा कि क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या हो गया वी टू। बोलो भाई वी एम नेट कितना हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू, वी वन प्लस तो आप बताओ माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो। ओके मतलब बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा याद करिएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई परपेंडिकुलर दिख रहा है जी, तो क्या था बराबर माइनस के पी माइनस के पी अपॉन एक्स क्यू, ध्यान दीजिए यानी ये पी के अपोजिट डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी इधर थी, याद करिए दोनों में अंतर था। एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज मतलब डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में था, याद है नहीं याद है, नहीं याद है तो मैं इतना रिमाइंडर तो दे ही दे रहा हूँ, ठीक है ये जीरो हो गया। अच्छा एक बात ये बताइए हमको, अब उसमें भी बताया था हमने इस फिगर को मिटा दूं क्या है, अच्छा चलो ठीक। अगर कोई प्लेन ले ले जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसका परपेंडिकुलर क्या हो बाइसेक्टर हो, इस प्लेन के हर पॉइंट पर वी कितना होगा जीरो, वी कितना होगा जीरो। तो अब बताओ आप बाई चांस इलेक्ट्रिक डायपोल में इस सरफेस पर इस प्लेन पर हर जगह पोटेंशियल क्या है जीरो है, हर जगह पोटेंशियल क्या है जीरो है ना। तो ध्यान दो अगर जीरो ना होता के होता, मान लीजिए कुछ भी होता वी डैश होता कुछ भी होता, तो इस सरफेस को क्या कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या प्लेन या सम विभव पृष्ठ या सरफेस कह दो इसको सम विभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ इसके हर पॉइंट पर विभव क्या हो समान हो, हर पॉइंट पर विभव क्या हो। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल है तब तो वहां पर हर जगह पोटेंशियल क्या है जीरो है ना, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जीरो है, तब भी इसको भी हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्योंकि हर पॉइंट पर जीरो है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब यह कटाख मत लगाइएगा कि जिस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल जीरो हो, ऐसा नहीं है, जिस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या हो सेम हो उसे क्या कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ, क्या कहेंगे आगे आने वाला है कहीं पढ़ेंगे हम इसको सम विभव पृष्ठ। ओके एनी प्रॉब्लम, नो नोट इट प्लीज। एट एनी पॉइंट आर थीटा, दूरी आर हो एंगल थीटा हो, मान लिया मैंने कि यह पॉइंट एम है, मिला दिया हमने बताओ थीटा ये ले कि थीटा ये ले, या थीटा वन ले कि थीटा टू ले, क्यों थीटा टू क्यों लेंगे, याद करो कुर्बानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि हमने कहा था जो थीटा हमारा होगा दैट विल बी मेजर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बाय द द्विध्रुव
आघूर्ण की दिशा से थीटा हम मेजर करेंगे, इसलिए ये थीटा माना जाएगा। ओके ओके ओके, अच्छा चलो, अब पी को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दो ना, एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, पी कॉस थीटा, बोलो भाई, चलो इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, चलो ये माइनस क्यू है, ये प्लस, माइनस से प्लस, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, वन हुआ, एक तो इसके साथ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा, पढ़ाए थे आप लोगों को पी साइन थीटा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए भैया, ये माइनस से प्लस की तरफ, अच्छा अच्छा, अब तो हमने तोड़ दिया पी को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, बहुत इजी है जी, बहुत इजी है, कितना इजी है जरा सोचो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा एट पॉइंट एम बराबर, अच्छा बताओ पी कॉस थीटा इधर है, पॉइंट एम भी इसी लाइन पर है, तो ये आइडियल पोजीशन होगी कि नहीं बताओ, अच्छी स्थिति होगी कि नहीं है, तो क्या होगा बताओ, के पी कॉस थीटा, अगर ये दूरी यक्स है, ये दूरी क्या है यक्स है, तो क्या होगा भैया, यक्स स्क्वायर, बोलो, अच्छा आप फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा, ड्यू टू पी साइन थीटा एट पॉइंट एम, बिंदु एम पर पी कॉस थीटा के कारण विभव, बिंदु एम पर पी साइन थीटा के कारण विभव, अब बताओ ये तो 90 डिग्री का एंगल है भैया, कितने का है 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों के बीच का कितने का है, ये 90 डिग्री का है, अब बताओ ये जो मान लीजिए पॉइंट ओ है, ओ एम है, ओ एम पी साइन थीटा के किधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर पोजीशन, बोल यार, तो परपेंडिकुलर पोजीशन तो क्या होता है जीरो, बोल यार, तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लड्डू, बोलो भाई, बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, अब इसी से बेटा हम दोनों आईसीएल पोजीशन में और क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में दोनों में निकाल सकता हूं, फॉर आईसीएल पोजीशन देखो पहले, फॉर एक्सियल पोजीशन बताओ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो वी एम कितना हो जाएगा बेटा, के पी कॉस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे, और फॉर परपेंडिकुलर पोजीशन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, फॉर परपेंडिकुलर पोजीशन थीटा बराबर वी एम बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो ना, वी एम कितना हो जाएगा जीरो, देखो इससे अब जरा देखो थोड़ा सा, थीटा यहाँ जीरो से लो, थीटा का मान बढ़ाते जाओ, एक्स का मान बढ़ाते जाओ, थीटा का मान बढ़ाते जाओ, एक्स का मान बढ़ाते जाओ, थीटा का मान बढ़ाते जाओ, एक्स का मान बढ़ाते जाओ, थीटा का मान बढ़ाते जाओ, एक्स का मान, तो इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों तरफ का हर पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं अरे यार ले चले जाओ कहां तक ले जाओ, बहुत दूर तक ले जाओ, यूनिवर्स तक ले जाओ, ब्रह्मांड तक ले चले जाओ, और थीटा यही बढ़ाते चले जाओ,
कि पूरे ब्रह्मांड के सारे पॉइंट को घेर लेगा कि नहीं, बताओ पहले। तो इस फार्मूले से हम किसी भी यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का हम पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए थे। याद है, नोट इट प्लीज।